मैं मानो और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैसअप में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुए एनएक्सटी 2.0 के शो के बारे में, जहां पर हमें कई सारे धमाकेदार मैचेस देखने को मिला। दोस्तों कुछ मैचेस पहले से ही WWE ने ऑफिशियल कर दिए थे, तो इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज के एनएक्सटी शो के शुरुआत में हमें न्यू एनएक्सटी चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर देखने को मिलते हैं। दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर रिंग में आते हैं और अपने WWE कैरियर के बारे में बात करते रहते हैं और खुद को WWE का एक फाइटिंग चैंपियन बताते हैं और कहते हैं कि लॉकर रूम से कोई भी सुपरस्टार रिंग में आकर मुझे एनएक्सटी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकता है। और दोस्तों इसके बाद ही ब्रॉन ब्रेकर रिंग से चले जाते हैं। दोस्तों इसके बाद आज के शो पर हमें सैंटोस एस्कोबार वर्सेस जेएन क्वीन के बीच में एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। दोस्तों शो के शुरुआत के हिसाब से मैच बहुत ही ज्यादा अच्छा था और दोस्तों रेसलिंग के हिसाब से भी मैच कमाल का था। और दोस्तों मैच में हमें कई सारे हार्ट हिटिंग मूव्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों मैच की एंडिंग हमें कुछ इस तरह देखने को मिलती है कि जब सैंटोस एस्कोबार की टीम मेंबर ने जेएन क्वीन को रिंग के बाहर एक लोप लोप दे देती हैं और रिंग में ले जाकर सैंटोस एस्कोबार ने जेएन क्वीन को अपना फिनिशर लगाकर पिन कर लेते हैं और मैच को जीत जाते हैं। दोस्तों इसके बाद आज के एनएक्सटी के शो पर हमें रिच हॉलैंड का एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर वो पूरे एनएक्सटी रोस्टर को वार्निंग दे रहे होते हैं। दोस्तों इसके बाद ही आज के एनएक्सटी के शो पर हमें रिच हॉलैंड एंड जो ग्रेसी वर्सेस मलिक ब्लेड एंड एरिस के बीच में एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है। दोस्तों अगर बात किया जाए मैच की तो मैच काफी ठीक ठाक सा था, लेकिन दोस्तों मैच की एंडिंग हमें कुछ इस तरह देखने को मिलती है कि जब रिच हॉलैंड लगातार मलिक ब्लेड को मारते रहते हैं तो रेफरी इस मैच को डिस्क्वालिफिकेशन से एंड कर देते हैं और मलिक ब्लेड और एरिस को डिस्क्वालिफिकेशन से इस मैच को जितवा देते हैं। लेकिन दोस्तों मैच की एंड हो जाने के बाद भी रिच हॉलैंड मलिक ब्लेड और एरिस को अपना फिनिशर लगा देते हैं। दोस्तों इसके बाद आज के एनएक्सटी के शो पर हमें टोनी एंजेलो वर्सेस पीट डन के बीच में एक काउबार ऑन अ पोल मैच देखने को मिलता है। दोस्तों अगर बात किया जाए मैच की तो मैच बहुत ही ज्यादा कमाल का था। दोस्तों मैच में हमें काफी हार्डकोर रेसलिंग भी देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों मैच की एंडिंग हमें कुछ इस तरह देखने को मिलती है कि जब पीट डन टोनी एंजेलो को अपना फिनिशर लगाने वाले होते हैं तब टोनी एंजेलो पीट डन को काउबार स्टिक से मार देते हैं और पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। दोस्तों इसके बाद आज के एनएक्सटी के शो पर हमें विंडी एंड एंडी हार्टवेल एंड पेर्सिया वर्सेस अमारी मिलर एंड केसी कार्टेंजारो एंड केडन के बीच में सिक्स वुमेन टैग टीम का मैच देखने को मिलता है। दोस्तों मैच की बात करें तो मैच काफी अच्छा था, लेकिन दोस्तों मैच की एंडिंग हमें कुछ इस तरह देखने को मिलती है कि जब केसी कार्टेंजारो एंडी हार्टवेल को अपना फिनिशर लगाने वाली होती हैं तो एंडी हार्टवेल काउंटर करके केसी कार्टेंजारो को अपना फिनिशर लगा देती हैं और पिन करके इस मैच को जीत जाती हैं। दोस्तों इसके बाद आज के एनएक्सटी के शो पर हमें सोलो सिकोवा वर्सेस बिग बो के बीच में एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। दोस्तों अगर मैच की बात करें तो मैच काफी ठीक ठाक सा था, लेकिन दोस्तों मैच की एंडिंग हमें कुछ इस तरह देखने को मिलती है कि जब सोलो सिकोवा और बिग बो दोनों सुपरस्टार एक दूसरे के साथ लड़ते लड़ते बैक स्टेज चले जाते हैं, तो दोस्तों बैक स्टेज जाते ही सोलो सिकोवा बिग बो पर चेयर से काफी तगड़ा अटैक कर देते हैं। लेकिन दोस्तों हमें अचानक बिग बोवा का डीमन करेक्टर देखने को मिलता है और बिग बोवा सोलो सिकोवा के फेस पर फायर फेंक देते हैं, जिस कारण सोलो सिकोवा का फेस जल जाता है और वहां कई सारे ऑफिशियल्स आकर मैच को बंद करवा देते हैं। दोस्तों इसके बाद आज के एनएक्सटी के शो पर हमें नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन कार्मेलो का रिंग में एक सेगमेंट देखने को मिलता है। दोस्तों रिंग में कार्मेलो ट्रिक विलियमसन के साथ आते हैं और कार्मेलो खुद को WWE का सबसे बड़ा सुपरस्टार बताते हैं। दोस्तों इसके बाद आज के एनएक्सटी के शो पर हमें मेन इवेंट मैच एजे स्टाइल वर्सेस ग्रेसन वॉलर के बीच में एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। दोस्तों अगर बात करें मैच की तो मैच काफी ज्यादा कमाल का था और दोस्तों मैच में हमें काफी अच्छी रेसलिंग भी देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों मैच की एंडिंग हमें कुछ इस तरह देखने को मिलती है जब ग्रेसन वॉलर एजे स्टाइल को अपना फिनिशर देने वाले होते हैं तभी एजे स्टाइल रिवर्सल कर देते हैं और अपना फिनिशर ग्रेसन वॉलर से कनेक्ट कर देते हैं और पिन करके मैच को जीत जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैच के एंड हो जाने के बाद हमें लेक नाइट रिटर्न करते हुए दिखाई देते हैं और रिंग में आकर ग्रेसन वॉलर को बहुत तगड़ी बीटिंग दे देते हैं और दोस्तों उसके बाद हमें एजे स्टाइल और लेक नाइट एक दूसरे के गले मिलते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों अगर बात किया जाए आज के ओवरऑल एनएक्सटी के शो की तो शो अच्छा था, स्टोरी लाइन के हिसाब से शो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और आज के एनएक्सटी के शो को लेकर अगर आपके कुछ थॉट हैं तो नीचे वीडियो में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।